नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का दिन बहुत अहम है। एक तरफ आज फर्स्ट फेज में पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। हालांकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर सिक्स फेज में छठे चरण की में सभी सीटों पर वोटिंग होगी 25 मई को। लेकिन 25 मई से पहले यहां पर क्या माहौल हो रहा है, आज हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट छतरपुर इलाके में। लोगों से यहां पर जानते हैं क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कल की अगर बात की जाए तो कल आतिश की तरफ से बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया। कहा गया कि तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही, तमाम बातें निकल कर आ रही है। कोर्ट में क्या कहा गया, ईडी की तरफ से, सब मसलों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या माहौल बन रहा है दक्षिणी दिल्ली में। दक्षिणी दिल्ली में एक तरफा वोट हमारा आम आदमी पार्टी का बन रहा है, क्योंकि इतना विश्वास कैसे, एक तरफा वाली बात कैसे? वो तो दिख रहा है ना सबको, अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल कर दिए, अच्छी बसें, लेडीजों का किराया फ्री कर दिया और इतनी अच्छी अच्छी चीजें कर दी। आप मुझे बताएं बीजेपी ने क्या करा है, तो हमारा तो एक तरफा जीत रहे हम तो। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा, भाई इतने अच्छा कर दिया तो जेल के अंदर क्यों बंद है? अब जी देखो, जितनी जिस पे पावर रहेगी वो तो आरोप पे लगाएगा। अभी तक कुछ साबित तो नहीं करा ना बीजेपी ने, अभी सब झूठे गवाह, कुछ भी पेश कर लो कुछ भी नहीं होने वाला है। सब कुछ झूठ है, सब कुछ सब झूठ है। आप लोगों को लग रहा है कि जो हो रहा है सब झूठ है, और क्या माहौल बन रहा है? अगर झूठ होता तो क्यों ले जाते उनको जेल में? ये कोई झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। क्या है सच्चाई? सच्चाई है जो उन्होंने किया है। क्या किया है उन्होंने? शराब में घोटाला किया है। आपको लगता है ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ा है। स्कूली बच्चे पर पढ़ने लिखने वाले जो है ना शराब पीने लग गए हैं, जो एक पौवा पीता था वो तीन पौवा पीने लग गया, पी के मरे हैं, कितनी विधवा हो गई औरतें, हमारी बहन बेटियां। तो ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में रहेगा। एक बात बताइए, दक्षिणी दिल्ली ये जो लोकसभा सीट है, सहिराम पहलवान है आम आदमी पार्टी की तरफ से, रामवीर सिंह विधोड़ी है जो कि बीजेपी की तरफ से, क्या मुकाबला आपको लग रहा है? इस बार तो भिधोड़ी जी की अच्छी जीत होगी यहाँ पे हमारे यहाँ तो। पिछली बार भी तो भिधोड़ी जी थे, रमेश भिधोड़ी जी, रमेश भिधोड़ी जी थे, इस बार उनकी जीत 100% होगी। भिधोड़ी जी जीतेंगे पक्का। लेकिन इस बार तो जो उम्मीदवार बदल दिया गया, पहले रमेश भिधोड़ी थे, इस बार रामवीर सिंह भिधोड़ी है। उम्मीदवार बदल जाए तो ये थोड़ी ना है, हम लोग तो वोट सिर्फ एक चेहरा देख के देते हैं, वो हमारे मोदी जी है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मोदी जी, मोदी जी के, मोदी जी का जो काम है आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। मोदी जी ने इतने अच्छे, नितिन गडकरी जी ने इतने अच्छे हाईवे बनवा दिए, आज आम आदमी पार्टी की MCT में वो है, गली गली आप जाते हैं, टूटे फूटे रास्ते कहीं देखे हैं आपने? सही रास्ते, कितने तगड़े हाईवे बन गए, कितने बढ़िया एयरपोर्ट बन गए, आज कम से कम 200 नए एयरपोर्ट खुल गए और आवागमन का बढ़िया साधन हो गया, ठीक है। और 370 धारा हट गई और हमारे मुसलमान भाइयों का जो है ना ये तीन तलाक वाला मुद्दा हल हो गया। 370 आप बोल रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, ये बोल रहे हैं मोदी जी का डंका बज रहा है, किसका डंका दिल्ली में बज रहा है? मोदी जी थोड़ी आएंगे यहाँ काम कराने, कैंडिडेट काम कराने आएगा, तो हमें कैंडिडेट के नाम पे वोट देनी चाहिए ना कि मोदी जी के नाम पे। और पहली बात, 7 सांसद थे और हमने 10 साल बीजेपी को काम में दिया है, ठीक है, 7 में से 6 उन्होंने चेंज कर दिए नाम, ठीक है। अब ये सोचो उन 6 ने मतलब काम नहीं किया होगा और बीजेपी ने टिकट चेंज कर दी 6 की, तो क्या काम किया यहाँ से? तो हमें इस एरिया से तो एक भी हमें सांसद दिखानी आज तक तो आया नहीं, और संसद में आपने रमेश भिधोड़ी जी की टिप्पणी सुनी होगी और इस वजह से उनका टिकट भी काट दिया और उनकी जगह बस एक और नाम आ गया, वो रामवीर भिधोड़ी। आप देखिए वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, नाम एक ही है, परिवर्तन कुछ है नहीं, काम कुछ हो नहीं रहा है। आप ये देखिए ना, आप केजरीवाल के काम देखिए और केजरीवाल पे इतनी साजिशें की जा रही है, उन्होंने स्कूल साजिश हो रही है ऐसा लग रहा है, सारी साजिश हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ साफ साजिश हो रही है। अच्छा, आपने जब साजिश का जिक्र किया तो कल आतिशी जो कि दिल्ली सरकार की मंत्री है, उनकी तरफ से एक आरोप लगाया गया कि भाई तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को मारने की कोशिश की जा रही है, ये सब आरोप लगाए जा रहे हैं। ये देखो जी, ये सारे मैं इन बातों पर विश्वास हो रहा है आपको? मैं आपको बताऊं ये सारे झूठे आरोप हैं, क्या नाम है, दिल्ली आतिशी झूठा झूठ बोल रही है आपकी तरफ से? आतिशी झूठ नहीं बोल रही, बीजेपी झूठ बोल रही है, क्या नाम है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने क्या नाम है जो दिल्ली सरकार ने काम करे हैं उनके कामों की क्या नाम है आप मतलब उनके कामों का बहुत अच्छा प्रभाव है। दिल्ली में महिलाओं को क्या नाम है बस में फ्री यात्राएं मिल रही हैं, 20,000 लीटर पानी मिल रहा है। बीजेपी का किसी भी सांसद का नाम है हमारे यहाँ से जो पहले का नाम है चुनकर गया था रमेश भिधोड़ी, उसने कोई काम नहीं करा, ना क्षेत्र में आया है वो, आज तक का नाम है वोट लेने के लिए उस टाइम आ जाते हैं जब उनका मतलब। इस बार उम्मीदवार बदला गया, कोई फर्क पड़ रहा है? उम्मीदवार बेशक बदला गया है, देखो मैं तो एक ही बात बताऊंगा, एक ही का नाम है
चीज लिफाफा लिफाफा पुराना का नाम है चीज वही है, उसमें खाली लिफाफा लिफाफे में वो बदल दिया, कैंडिडेट बदल दिया। ऐसा है कि नए लिफाफे में वही चीज डाल दी गई, आपको भी लग रहा है क्या? जी ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है इस बार दक्षिणी दिल्ली में? माहौल क्या है, माहौल तो देखो जी, एक सुनोगे तो आज मतलब ये क्यों बदले, इन्होंने चेंज क्यों करे फिर एमपी, एमपी अगर सही लोग थे तो चेंज क्यों करें? और माहौल की तो बात यह है सर, नाश करके रख दिया हिंदुस्तान का, अगर हकीकत पूछो तो। एक बात बताओ, हम मैं बीमार आदमी हूँ, मेडिकल पे ले जाता, पहले क्या होता था 20-20 साल पुरानी दवाई एक ही रेट पे बिकती थी, आज हर 8वें दिन भाई साहब मैं लेकने जाता हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, हर 8वें दिन उस पर 10 रुपये 15 रुपये हर दवा पे बड़े हुए मिलते हैं। क्या है ये, कहाँ है रोजगार, किसका रोजगार? ये डंके पंके से कुछ ना हो रहा भाई साहब, जमीन पे आके हिंदुस्तान के अंदर वो राज करे जो उंगली उठा के कहे हम सब एक हैं, पूरा देश एक है, और हम ताकतवर जब बनेंगे जब हम भी उठा के कहे कोई भी नेता है हम सब एक है, ऐसे नहीं कि उसको उससे भिड़वा दिया, उसको बंद करवा दिया, ये कोई राजनीति थोड़ी है भाई साहब, ना 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 ना, गलत हो रहा, बिल्कुल गलत हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, गलत हो रहा है ये, देखो एक बात सुनो, बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगर सबूत ये तो दिखाते कि भाई इतना पैसा सबूत हुआ इस पर, हम भी मानते इस बात को कि वो गलत था, तो गलत ही बंद कर देते। मैं यहाँ पर महिलाओं के पास आऊंगा, और देखिए सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, कान्हा जी आपकी गोद में है, लेकिन इस बार आप दिल्ली के सियासी माहौल को भी आप देख रही होंगी, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं, क्या होता हुआ इस बार आपको नजर आ रहा है? भैया हम देखा वोट भी देंगे तो हम उनके लिए वोट देंगे जो कि महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, महिलाओं की मदद कर रहे हैं, और जहाँ भी हमें ठीक लगेगा कि हमारी हर जगह महिलाओं का सम्मान हो रहा है और महिलाओं को हर तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है, उन्हें को हम वोट देंगे। तो किस पर विश्वास हो रहा है, आपने मुद्दे तो गिना दिए महिलाओं के, लेकिन किस पर विश्वास हो रहा है, एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस और एक तरफ है बीजेपी? मोदी जी के लिए देंगे भैया, उन्हें मोदी जी पर आपको विश्वास हो रहा है? हाँ जी विश्वास हो रहा है। आपको आपको किस पर विश्वास है? मोदी जी जिंदाबाद। आप बताइए। मोदी जी जिंदाबाद। जी आप बताइए, क्या लग रहा है, कैसा मुकाबला लग रहा है? जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी का नाम रहेगा, बस। आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? बात मोदी जी की है, हमारी सबकी है। क्या बोल रही हैं आप? हमें घोटाला नहीं चाहिए, फ्री बस नहीं चाहिए, हमें मेहनत का चाहिए, मेहनत करेंगे, मेहनत करो। कौन कर रहा है घोटाला, कौन कर रहा है घोटाला? रोजगारी करो, बेरोजगारी नहीं चाहिए। घोटाला कौन कर रहा है? जो घोटाला कर रहे हैं जेल में है, एक बोतल की जगह दो दी, एक पेटी की जगह दो पेटी फ्री दी, सबको बदनाम कर दिया, बच्चों बच्चों को पेप्सी की जगह दारू पिलवा दी, सब बच्चे बर्बाद हो गए। आम आदमी पार्टी के नेताओं को आपने सुना, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं गलत हुआ, झूठा फसाया जा रहा है, जेल में क्यों है फिर? वो बोल रहे हैं झूठा फसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी वाले जा रहा झूठा, झूठा कोई नहीं फसाता किसी को, कपड़े बदलने से आदमी नहीं बदल जाता है, ठीक है, इंसान का चेहरा चेहरा वही रहता है, कपड़े तुम 10 बदलो इंसान वही रहेगा। आप क्या बोल रही हैं? कह रहे हैं झूठा नहीं कर रहा है, सब बात सच है। अरविंद केजरीवाल उनके मंत्रियों ने कुछ गलत किया है? गलत किया है, गलत किया है, गलत किया। आप क्या बोल रही हैं? गलत किया है तभी तो जेल में बंद है। हम लोगों ने पहले उन्हीं को वोट दिए थे, झाड़ू वाले को, केजरीवाल को, लेकिन जब ये दारू का सुन लिया ना भैया, हमारे भी बच्चे तो खराब हो रहे हैं दारू पी पी के, गली गली डोल रहे हैं। ये मुद्दा आप लोगों के बीच में बन रहा है, बड़ा मुद्दा है? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा। अच्छा मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? केजरीवाल जेल के अंदर है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी के जितने हैं वो सब भ्रष्टाचारी हैं ही। ऐसा आपको लगता है? हम लगता है। जैसे हम लोग यहाँ पर हैं छतरपुर में, हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, एक पेंशन भी 4 साल से कागज रोक करके रखा है, किसी को पेंशन नहीं दे रहा है, बोल रहा है जो हम लोग जो हैं ब्राह्मण है ऊपर जाति के जो लोग हैं ना, उसको केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनके आदमी कह रहे हैं कि आप लोग तो मोदी के आदमी हो, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, मोदी के पास जाओ। किसने बोला ऐसा? केजरीवाल के जो सांसद है वो बता रहे हैं। सांसद क्या है, वो सब जो तो सांसद बीजेपी के ना, सब कोई नहीं है। वो लोगों का जो मंत्री वंत्री वो सब है, वो जो आते हैं वो बताते हैं, तो हम लोगों का तो काम कुछ करते नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं? ये बताए हुए पे विश्वास करते हैं, हकीकत पे नहीं करते। हकीकत क्या है आप बताइए, हकीकत क्या है फिर मुझे बताइए। शराब तो भैया जब से ये दुनिया पैदा हुई, शराब तो जब से भी शुरू हुआ है, क्या ये केजरीवाल ही शराब लेकर आया? और ये महिलाओं को आपने सुना, उन्होंने बोला कि एक के साथ एक फ्री के चक्कर में माहौल खराब हो गया, उनका ये कहना है, महिलाओं को आप सुनिए। सुनो ना, शराब तो भैया पहले भी थी और अब भी थी, अगर उसने कोई गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम उसके पक्ष में नहीं है, मगर ऐसा नहीं होता कि विपक्ष को उठा के तुम सबको ही बंद कर दोगे तो तुम अकेले सत्ता चलाओ। लेकिन देखिए सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि लोकसभा चुनाव के एन पहले
अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी किस मार्च को होती है, तो क्या यह मुद्दा बन रहा है आप लोगों के बीच गिरफ्तारी पे बात करना चाहते हैं? हम दूसरे मुद्दों पे बात, रोजगार हमें जो देगा हम उसके साथ है। लेकिन भाई दिल्ली के सीएम आपके सीएम तो जेल में है ना। रही बात राशन की, राशन कोई अपने पास नहीं देता। राशन पहले भी कांग्रेस के टाइम से भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, चिन्नी भी मिलती थी, सारी चीजें मिलती थी। इन्होंने कोई नया काम कर दिया, आज भी केजरीवाल ने राशन दिया, पहले भी देता था, ये भी देते थे। इनके तो केंद्र के तो जुम्मे है ना राशन देना। फ्री में राशन क्या दे दिया भाई? फ्री में तो पहले से भी था, फ्री में तो पहले भी राशन था, फ्री में पहले से नहीं था। मिट्टी का तेल मिलती थी, चिन्नी भी मिलती। इस बार कुछ माहौल बदल रहा है क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से? माहौल बदल रहा है भाई, सांसद आम आदमी पार्टी का रहा। क्या बोल रहे हैं? सांसद आम आदमी पार्टी का रहा। सहीराम पहलवान जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, सहीराम पहलवान जी, अरे यहाँ पे कितने लोग खड़े जी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी से बोलो रमेश बुड़ी को 10 साल में देखा हो, एक बार देखा था पिछले साल सनी देओल के साथ। लेकिन भाई इनके तो एक एक करके सब नेता फंस रहे। कल आपने देखा अमानतुल्ला खान, अमानतुल्ला खान 13 घंटे, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको मेरा सवाल, 13 घंटे तक ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा उसे पूछताछ की, एक एक करके सब पर जांच आ रही है, साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हो रहा है ये मुद्दा है। आरोप आरोप आपको इसलिए आपको भी जाना पड़ेगा, मेरे को भी जाना पड़ेगा, जब तक होना पड़ेगा सीध होकर जब मानेंगे ना। तो ये आरोप सही है या झूठे? जबरदस्ती का है, जबरदस्ती। क्या बोल रहे हैं आप सर? झूठे हैं, झूठे। आप ये देखिए, इलेक्शन से जस्ट पहले केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया, ये तो सरासर साजिश है, ठीक है। आरोप तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, जब ही अरेस्ट कर लेते, इस टाइम पे क्यों अरेस्ट करना जब इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा। इस गिरफ्तारी का नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को या फायदा होगा? फायदा होगा। कैसे फायदा होगा भाई? अरविंद केजरीवाल तो उनका बड़ा चेहरा अंदर चला गया था केजरीवाल जी से, इसलिए उनको पहले बंद करवा दिया इलेक्शन के माहौल बदलने के लिए। हाँ जी, लेकिन वो तो जेल के अंदर चले गए, अंदर से कैसे फायदा पहुंचा पाए? बीजेपी के तो जितने भी सांसद वो हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बिजूड़ी क्यों? बिजूड़ी गया नहीं गया, उसे और ज्यादा पोस्ट देके गुजरात में बना दिया है, चुनाव में वो भेज दिया। बीजेपी के इतना भ्रष्ट हैं, वॉशिंग मशीन रखी हुई है, जो धोते हैं साफ हो जाते हैं, और जो बेगुनाह है उन्हें जेल में भेज देते हैं, जो इनके बात ना माने उन्हें जेल में भेज देते हैं। ठीक है, ठीक है।